नमस्कार एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर दैट इज नोन एज नोइंग योर नंबर। देखो ये जो चैप्टर है ना हमारा, दैट इज चैप्टर नंबर वन। दिस चैप्टर वन, द हेडिंग ऑफ चैप्टर इज नोइंग योर नंबर। मतलब आपके पास में बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन उन नंबर्स में से काउंटिंग की जो सिस्टम है वो क्या है, डिजिट किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, नंबर डिजिट मिल जाता है तो क्या कहते हैं। और एक पार्ट है आपका इसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम, जो भी है रोमन सिस्टम, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सी द टॉपिक दैट इज नोइंग योर नंबर। इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिजिट। ये डिजिट क्या होता है, देखो इसका हिंदी में बोलते हैं इसको अंक, काम नहीं है लेकिन फिर भी क्या है ना कि मीनिंग हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो डिजिट क्या होता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देखो अपने मोबाइल नंबर की बात कर लो या फिर अपने मोबाइल के कीपैड की बात कर लो, 0 to 9 ही सब जगह होते हैं। ये जो डिजिट है ना हमारा, ये 0 to 9 यही हमारा डिजिट कहलाता है। अब इस डिजिट के मदद से क्या होता है ना कि नंबर्स का जनरेशन होता है। कि अगर मेरा मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर होगा या किसी का भी मोबाइल नंबर होगा, फोन नंबर पहले का जो था वो हमेशा क्या होता है ना कि जितने भी यूजर्स हैं, मोबाइल यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबके नंबर अलग अलग ही हैं। और कारण क्या है कि वो नंबर इन्हीं 9 नंबर में से 10 नंबर में, 10 डिजिट में से मिल करके ही तैयार किया गया। तो डिजिट क्या है अगर हम बोलें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इज कॉल्ड डिजिट। अगर हम बोले नंबर क्या है तो नंबर कहलाता है ग्रुप ऑफ डिजिट। अब इस ग्रुप ऑफ डिजिट में 11 बोल दें, 23 बोल दें, 96 बोल दें, 9000 समथिंग बोल दें, कुछ भी बोल दें, ये सब हमारा, देखो ना ये दोनों मिलकर के ही तो सब निर्माण के, आपस में ही मिलकर के तो सब निर्माण के। मीन्स व्हाट वी हैव कंक्लूडेड दैट द नंबर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ डिजिट। अगर इस ग्रुपिंग में डिजिट अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो वो छोटा होगा सबसे ज्यादा, अगर सबसे बड़ा और फिर छोटा इसको डिक्रीजिंग मगर कर दिए तो सबसे बड़ा होगा। दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, दैट इज विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट वी हैव टू फाइंड आउट द हाइएस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फर्स्ट we will discuss digit that we have already known, that 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is known as digit, and number is what, group of digit is known as number. And one thing more, that is numerals क्या होता है, numerals बोलते हैं कि जब digit और ये number आपस में जब हो जाए ना तो उसको साथ साथ में हम लोग numerals value बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर में digit भी हो गया और नंबर्स भी हो गया, ठीक है। अगर हम अभी डिजिट की बात करें तो जरा ध्यान से समझना कि ये जो डिजिट है हमारा, एक बार हम इसको क्लियर करना, डिजिट ही हम लोगों का मेन है। तो अगर हम डिजिट की बात करें तो डिजिट स्टार्ट कहां से हो, जरा बताना, 0, 1, 2, ... कहां तक, 9 तक। 9 के बाद क्या होगा, 10, 11, 12, ... कहां तक, 99 तक। फिर 100, 101, 102 ... कहां तक, 999 तक। एंड सिमिलरली उसके बाद हो जाएगा 1000, 1002 एंड 9999 तक। देखो ये सब तो हमारे पास में जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनसे नंबर्स तैयार किए हैं। लेकिन इसमें जो समझाना चाहते हैं वो ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट डैश डिजिट नंबर इज इक्वल टू व्हाट एंड द ग्रेटेस्ट डैश डिजिट नंबर इज इक्वल टू व्हाट। मतलब क्या है ना कि अभी हम लोग इसको फील्ड करेंगे, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, अगर कोई बोले स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर तो वन डिजिट का जो नंबर है वो 0 to 9 है, इसमें सबसे छोटा क्या है हमारा, तो सबसे छोटा इसमें हमारा है 0, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर की, तो ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर जो है हमारा
वन डिजिट नंबर वो देखो तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, नाइन है, तो यहाँ नाइन की बात करेंगे, ठीक है। सिमिलरली स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर की बात करें तो दो डिजिट देखो नाइन टेन से स्टार्ट है, 99 तक जाता है, तो हम लोगों का जो लास्ट का जो सबसे छोटा जो नंबर है दैट इज 10, ठीक है। ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर की अगर बात करें तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज व्हाट, 99। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, देन थ्री स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100 एंड द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999। देखो ये तो समझने का तरीका हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें कि बचपन में हम भी याद किए थे इसको, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये टॉपिक, तो हम क्या किए थे ना कि भाई स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज इक्वल टू जीरो लिखना है, फिर टू पूछे कोई, थ्री पूछे कोई, हंड्रेड पूछे, उसके बाद है ना वन के बाद जीरो की संख्या बढ़ाते जाना है। अगर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है तो वन, इसके बाद दो जीरो, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर है तो तीन बार नाइन। तो ये क्या था, एक तरह से रटा हुआ चीज था समझने में, मतलब उस समय समझ में नहीं आया था। तो क्या है कि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो देन यू विल फाइंड दैट जीरो इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर इज नाइन। सिमिलरली टेन इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99। सिमिलरली इफ यू विल टॉक अबाउट स्मॉलेस्ट नाइन डिजिट नंबर देन वन देन एट टाइम्स जीरो, राइट, एंड द ग्रेटेस्ट नाइन डिजिट नंबर इज 99 times 9, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ना कि हम लोगों का जो ये टॉपिक है वो है डिजिट, डिजिट के अंदर में स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, ये जो टॉपिक था वो हमारा क्लियर होता है। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो क्या होता है एक बार, नाउ सी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो क्या चीज होता है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। एग्जाम्पल पहले समझो, क्लासरूम में फर्स्ट बेंच पे मान लो कि रोल नंबर वन है, रोल नंबर वन का नाम होगा आदित्य शर्मा, कुछ भी होगा। वो आदित्य शर्मा अब क्या किया कि फर्स्ट बेंच पे ना बैठ करके वो लास्ट बेंच पे बैठ गया, फोर्थ बेंच पे बैठ गया या फिफ्थ बेंच पे बैठ गया, ठीक है। रोल नंबर वन चला गया फिफ्थ नंबर पे, और जो फिफ्थ बेंच पे जो था वो रोल नंबर 30 था, वो आ गया फर्स्ट बेंच पे। ध्यान से समझना, तो क्या चेंज हुआ और क्या सेम रहा। तो देखना, फेस जो था रोल नंबर वन का, जो नाम जो था वो तो सेम रहा, चाहे वो जहां पर भी जाए, रोल नंबर 30 चाहे वो फर्स्ट बेंच पे बैठे, चाहे वो लास्ट बेंच पे बैठे, चाहे वो हंड्रेड बेंच पे बैठे, नाम वही रहेगा, शकल वही रहेगा। तो अंतर किस चीज में है, अंतर उसके है पोजीशन में, पहले फर्स्ट बेंच पे बैठा था आज लास्ट बेंच पे बैठा है। सिमिलरली होता क्या है कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज प्लेस वैल्यू दैट इज द पोजीशन, वो बच्चा हो सकता है यहां बैठे, कल कहीं और बैठे, परसों कहीं और बैठे, एंड द फेस वैल्यू, वो बच्चा फिक्स्ड है, नाम उसका फिक्स्ड है, शकल उसका फिक्स्ड है, राइट। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम मान लो बात करते हैं 2, 3, 4, 2, 5, 2, 6, 2, चलो इतने 2 की बात करें, है ना। तो जो रीडिंग स्टाइल होता है, इस रीडिंग पैटर्न को हम लोग दो तरीके से बांटते हैं। पहला होता है हमारा इंडियन सिस्टम, और जो दूसरा होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। देखते हो ना, होता क्या है ना कि भाई हमारा जो सिस्टम है वो पूरे ही दो तरह से है, एक जिस सिस्टम को पूरा दुनिया जानता है और दूसरा जो केवल इंडियन प्रणाली, भारतीय प्रणाली है इसका। देखो रीडिंग क्या है इंडियन सिस्टम का, सबसे पहले इसको बोलेंगे वंस, इसको बोलेंगे टेंस, इसको बोलेंगे हंड्रेड, इसको हंड्रेड के बाद में अगर आप लोगों को याद होगा ये टेबल, तो हियर 10,000, देन हियर लैख, देन हियर 10 लैख, देन हियर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, लाइक दिस वी हैव टू प्रोसीड। 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखो ये पढ़ने का तरीका होता है हम लोगों का, है ना। तो ये भारत का सिस्टम है,
इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसमें होता क्या है ना कि भाई आप अगर इसको रीड करना है तो देखो तीन डिजिट के बाद दो दो का हम लोग कॉमन कॉमन सा प्रोग्रामिंग करते हैं इसका, नहीं वो कैसे होता है, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख एंड करोड़। तो हम लोग क्या लिख दिए, वन टेंस हंड्रेड, ये पहले थाउजेंड, फिर उसके बाद देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम लोग सही करेंगे, इसको हंड्रेड के बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर उसके बाद में लैख, टेन लैख, फिर यहाँ पर करोड़, तो ये हो गया हमारा करोड़, फिर उसके बाद में टेन करोड़ होता है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि देखते हैं कि जो टू है, टू देखो तो कहाँ कहाँ है, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है ना, टू तो सब जगह है, लेकिन ये जितने भी जगह में टू है उन सभी जगहों में जो मेन जो सोचने वाली बात वो ये है कि इनका पोजीशन अलग अलग है। एक टू हमारा जो है वंस प्लेस पे है, दूसरा देखो हंड्रेड प्लेस पे है, तीसरा देखो थाउजेंड प्लेस पे, जो चौथा है ना हमारा टू वो है हमारा करोड़ प्लेस पे। फेस वैल्यू टू है लेकिन प्लेस वैल्यू में सब जगह डिफरेंस है। अगर हम आगे फोर लिख देते इसको टेन करोड़ बोलते तो ये जो फोर है इसका प्लेस वैल्यू हो जाता है टेन करोड़। कौन से पोजीशन पे है, तो टेन करोड़ के पोजीशन पर है, लेकिन जो फेस वैल्यू है यहां पर भी फोर है, यहां पर भी फोर है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर हैविंग पोजीशन टेन लाख, टेन लाख पे पोजीशन पे जो है उसका फेस वैल्यू क्या, ठीक है। तो देखो ये पूरे नंबर सिस्टम पे हम लोगों को फोकस करना है जो कि हमारा इंडियन है, और एक होता है हमारा इंटरनेशनल। उसमें क्या होता है ना कि अक्सर सुने होंगे सभी कि इन यूट्यूब देयर आर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, तो मिलियन क्या है हमारा, ये ऐसा सिस्टम है जो कि ऑल ओवर ग्लोब चलता है, मीन्स आप जहां भी जाओगे मिलियन ट्रिलियन वगैरह बिलियन वगैरह ये सब चलता है। तो उसमें थोड़ा सा काउंटिंग का अर्थ जो तरीका है पढ़ने का वो चेंज हो जाता है, एंड व्हाट यू विल गेट, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, अब तीन तीन का ये कॉमा चलेगा है ना, दैट वी विल डिस्कस लेटर है ना। लेट्स सी सम क्वेश्चन एंड हैव सम लुक ऑन द क्वेश्चन दैट इज 1.1। चलो 1.1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज जो 1.1 है, अगर आपका ये थ्योरी पार्ट क्लियर है तो ही सॉल्व हो पाएगा। तो 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन बहुत सारे क्वेश्चन में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन का हम लोग केवल रिविजन करेंगे, और ज्यादा इसमें एक्सरसाइज नहीं है, 1.3 है और इसमें है 1.4 भी, 1.5 भी है, आप लोगों को शायद 1.5 दिया गया था एज अ होमवर्क, तो सॉल्यूशन उसका देखेंगे आगे। पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कॉमा फॉलोइंग द इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल। एक क्वेश्चन देखो, हम जो सबसे बड़ा है हम उसको लेकर चलते हैं, दैट इज 1/5, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 231008, 231008, फिर क्या है, 231008, 796, 796। कभी कभी होता क्या है कि 6 की जगह मैं कभी 8 भी लिख दूं, या कभी कैलकुलेशन ये उतारने में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो आपको फोकस करना है क्वेश्चन के कंसेप्ट पे, ना कि बुक के क्वेश्चन पे कि सर आपने गलत लिख दिया। अगर मान लो कि मैंने यहाँ कोई डिजिट अगर चेंज कर दी हो तो समझ लेना वो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ सी, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पे कॉमा को बिठाना है, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े थे ये वंस टेंस हंड्रेड इस तरह से करेंगे, और फिर क्या करेंगे, दो दो डिजिट के बाद, है ना। ये देखो दो दो डिजिट के बाद में अगर मान लो कि इसको लिखना भी रहे तो लिख देंगे वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़ टेन करोड़ तक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे 23 crore 10 lakh 8,796। देखो कितना सिंपल है, क्या हम बोले जरा ध्यान से समझना, 23 crore 10 lakh 8,796। जरा गौर से देखना हम क्या बोल रहे हैं, 796। जरा गौर से देखो तो यही तो बोल रहे ना। तो अगर हम इसको एक्सपेंड भी करें तो भी हम लोग कैलकुलेट ये काउंटिंग हम लोग सीख सकते हैं, नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट,
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कॉमा फॉलोइंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। तो देखो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू मान लो यही क्वेश्चन रहता, एज फॉर एग्जाम्पल हमारा यही क्वेश्चन रहता, लेकिन अभी क्या है ना कि ये हमारा नेशनल है, इंडियन है, अगर हम इसी को कॉमा में इंटरनेशनल में लगाते, ये हमारा इंडियन का था, अब हम चाह रहे हैं कि नहीं इंडियन में ना होकर के इंटरनेशनली हो जाए। इन द केस ऑफ इंटरनेशनल वी हैव टू पुट कॉमा, और कॉमा अगर हम लोग पुट करेंगे तो थोड़ा उसका एक बार में स्टडी कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले कहते हैं इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं हंड्रेड, इसको बोलते हैं थाउजेंड, इसको बोलते हैं टेन थाउजेंड, यहां तक तो सबको आता है। इसके बाद में जो है ना ये बोलते हैं हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है। फिर से देखो, पहला का हो गया वंस, दूसरा का हो गया टेंस, तीसरा का हो गया हंड्रेड, चौथे को बोलते हैं टेन थाउजेंड, फिर टेन थाउजेंड, फिर उसके बाद में हंड्रेड थाउजेंड, फिर उसके बाद में आता है मिलियन, ठीक है। मैं इसको ऊपर में लिख दूं, है ना। ये देखो ये वाला जो है, ये वाला मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, ठीक है। इसके बाद होता है बिलियन, ट्रेन टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन, फिर उधर ट्राइलियन, ट्रेन। तो देखो ये क्या है ना, सिस्टम ऑफ स्टडी है हमारा। तो अगर हम कॉमा की बात करें तो देखो शुरू के तीन के बाद होगा, फिर उसके बाद में तीन तीन तक ही चलता है, ठीक है ना। कितने तक चलेगा ये, तीन तीन तक चलेगा, तीन नंबर के बाद में एक कॉमा आएगा। स्टार्टिंग हमेशा करेंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर टू हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। ओहो माय गुडनेस, ये तो क्वेश्चन नंबर टू है, फिफ्थ वाला, और वन का जो फिफ्थ था बोथ आर द सेम थिंग। ओनली यू हैव टू पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल। मतलब क्या है ना, हमारे भारत के अनुसार लगाना, और दूसरा हमको लगाना है इंटरनेशनल के अनुसार, यानी